मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कल मीटिंग में नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब? भूल गए, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, ऐसे अचानक से छुट्टी नहीं मांग सकता। मतलब सब कल कुछ भी करके आपको मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा। कल 11:30 बजे की मीटिंग फिक्स हो चुकी है। जेठालाल, मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। मतलब सर, मुझे लगा 1-2 घंटे की बात है तो आप कोई ना कोई बहाना बना के आ जाएंगे। जेठालाल, कई बार ऐसे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे मेरे बॉस की एक वाइफ है। तारक? सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मेरे बॉस की वाइफ का एक किटी ग्रुप है और उनके ट्रिप की प्लानिंग और बुकिंग मुझे करनी है। सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोप दी है बॉस ने, और इसीलिए मेरे बॉस की वाइफ कल ऑफिस आ रही है और उनकी सारी प्लानिंग मुझे बैठ के करनी है। ओ मेहता साहब, बुरा ना मानना, अरे तो बॉस का पर्सनल काम हुआ ना। हाँ, अरे ऑफिस में बॉस अपना पर्सनल काम कैसे करवा सकता है? आप मना कर दो। करेक्ट है जी। भाई मना तो नहीं कर सकता, एक बार ऑफिस का काम हुआ तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये काम के लिए मना बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, मैं फंस जाऊंगा, कोई तो रास्ता निकालिए। इस बात का क्या रास्ता निकालूं? अरे कुछ सोचिए तो सही, मुझे पूरी श्रद्धा है कोई ना कोई रास्ता आप जरूर निकाल पाएंगे। जेठालाल, इतनी भी श्रद्धा मत रखो कि मुझे मेरी नौकरी को श्रद्धांजलि देनी पड़े। वाह, श्रद्धा और श्रद्धांजलि, अच्छा बोले। सॉरी, कैरी ऑन। देखो जेठालाल, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और हर बार करता भी हूँ, लेकिन I'm sorry, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कोई बहाना नहीं बना सकता, बुखार आ गया है ऐसा कुछ? अरे मेरा बॉस मुझे थर्मामीटर के साथ ऑफिस बुला लेगा। उत्तरी ओ जेठाबरा, कोई काम कर सकते तो सिर्फ मेहता साहब की जगह पीड़ू को ले जाओ। नहीं नहीं, भीड़े नहीं। अरे उसे भी इंग्लिश आती है। उसे इंग्लिश आती है, पर उसकी इंग्लिश क्या शिक्षक वाली इंग्लिश है, इसमें वो ऑफिस वाले इंग्लिश चाहिए। तो आप हाथी भाई को क्यों नहीं ले जाते? हाथी भाई चल सकते हैं, लेकिन हाथी भाई डॉक्टर है ना। मान लो मीटिंग के बीच में किसी पेशेंट का इमरजेंसी कॉल आ गया तो उनको तो जाना पड़ेगा ना मीटिंग छोड़ के, फिर मैं बीच में अटक जाऊंगा। हाँ ये बात भी सही है। एक काम करो, अय्यर को ले जाओ। अय्यर भाई नहीं, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, उनको ये सब बिजनेस की बातें नहीं जमेगी। पोपट भाई? नहीं, पोपट लाल भी नहीं चलेगा। वो क्या है कि वो अफ्रीका की पार्टी से बिजनेस की डील छोड़ के अपनी शादी की डील के बारे में बात करने लगेगा। ओ मेहता साहब, वो जेठापरा के पास वन एंड ओनली आप ही एक ऑप्शन बचे हो, वो आपको ही जाना पड़ेगा जी। हाँ। अरे नहीं सोडी, मैं नहीं जा सकता। वो एमए की मैं तो मान लो कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो तुसी ऑफिस कैसे पहुंचोगे? हाँ। सोडी, वो बात अलग है, और मेरे साथ कोई हादसा हुआ नहीं है। हाँ तो आपके साथ कोई हादसा करवा देते। सोडी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अंजलि भरजाई जी, एक झूठ मूठ का कोई हादसा करवा देते ना, जैसे कि पैर में मोच करवा देते। मोच करा देते? मोच नहीं जटाबरा, मोच मोच। अरे हाँ सोडी यार, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त आइडिया है। मोच तो कभी भी आ सकती है, आप ऐसे मस्त चल के जा रहे, अचानक पैर मुड़ गया, मोच आ गई। और मैं तो कहता हूँ आप अपने बॉस को ऐसा बोलना कि इतनी भारी वाली मोच आई है कि आप वो मिस्टर से ऐसे नीचे भी पैर नहीं रख सकते है? नहीं नहीं नहीं, मेरा बॉस इतनी आसानी से नहीं मानेगा, वो कंफर्म करने के लिए वीडियो कॉल करेगा। अरे तो हाथीपुरा है ना, कोई उनसे झूठ मूठ की पट्टी बंधवा के बॉस को वीडियो कॉल पे दिखा देना। मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छा, लीव पाटा पिंडी वीडियो कॉल पे दिखा देना। क्या? मैं समझा नहीं, लीव मतलब? जब हाथी भाई मेहता सबको पट्टी बांध रहे होंगे तब ये वीडियो कॉल करके बॉस को दिखा देने का कि ये देखो ये सब ट्रीटमेंट का कार्यक्रम चल रहा है इधर लाइव। ये भी बढ़िया है जी। लेकिन इस तरह बहाना बनाकर छुट्टी लेना ठीक होगा? अंजलि भाभी, अभी मेहता सबको कल कोई जरूरी काम तो करना है नहीं ऑफिस में, वो बॉस की वाइफ का पर्सनल काम करना है,
वैसे जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, मुझे मेरे बॉस की बीवी की ट्रिप की प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मतलब कल आप आ रहे हैं ना? हाँ जेठालाल, आ रहा हूँ कल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ए हुई ना गल, ओ जेठा भरा मेहता साहब, ओ कल के लिए ऑल द बेस्ट, ओ फटे चक दो, कल ये डील फाइनल करके ही आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जेठालाल, तुम कल की चिंता मत करना, घर जाओ और आराम से सो जाओ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। जेठा भरा वो दूसरी तो चखिया ही नहीं। अरे हाँ, अभी अभी लूंगा, अभी एकदम आराम से खाऊंगा। एक और बापू जी के लिए भी ले लेता। ओ, एक क्यों, वो तुसी पूरा बॉक्स ले लो। अरे नहीं एक एक बस। अरे नहीं बस खा लिया इन्होंने। चंगा जी ठीक, आज बहुत खा लिया। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके चलो, अब ये तय हो गया कि कल सुबह पहले हाथी भाई के यहाँ जाके बैंडेज बनवाना है और वहीं से अपने बॉस को वीडियो कॉल करूँ। तारक मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। आप ये जो कर रहे वो ठीक तो है ना? अंजलि इसमें क्या गलत है, एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर उस दोस्ती का क्या मतलब? मतलब मोच का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी लेना, पता नहीं मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंजलि इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें बॉस का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ जेठालाल के लिए इंटरनेशनल डील, जेठालाल मेरे लिए कितना कुछ करता, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। लेकिन अगर बॉस को पता चल गया तो? अरे चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि तुम टेंशन मत लो, तुम जाके सो जाओ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। जेठिया तैयार? हाँ बाबू जी, रेडी 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 बाबू जी। चलो एक मिनट। अरे अच्छा है, दही गुड़ खा। आशीर्वाद दीजिए बापू जी। विजय भाव। थैंक यू बापू जी। अच्छा सुन, जब तक ऑर्डर ना मिले तब तक उठना मत। जी जी बापू जी। सामने वाले क्लाइंट को क्या चाहिए वो सुनना समझना फिर निर्णय लेना। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी। क्या है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए हमें छोटा मोटा फायदा नहीं लंबी सोच रखनी चाहिए। और दूसरी बात ठीक है, सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए हमें उसकी तरफ से भी सोचना चाहिए, ताकि वो सिर्फ एक बार नहीं हमेशा ऑर्डर हमें ही देता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं मीटिंग करने नहीं 10वीं की परीक्षा देने जा रहा हूँ। अरे जेठिया, जीवन भी एक परीक्षा ही है, जो पहले हमें अनुभव देती है और फिर सीख। बोले नटू काका। देखिए आप उठ गए। अरे ओ नटू काका, क्या बोल रहे हैं आप, मैं अभी उठा नहीं हूँ। अरे अभी तक सो रहे हैं? अरे मतलब वैसे उठ गया हूँ। तो मैंने गलत क्या कहा? आप जिस तरह बोले उससे ऐसा लगा कि मैं धंधे में उठ गया हूँ। चुप चुप बोलिए सेठ जी, मेरा मतलब ये है कि आप जाग गए हैं कि नहीं। हाँ कब का? तो अभी। क्या अभी? दुकान आ रहे है ना? हाँ। कब? अरे कब क्या, मैं तैयार ही हूँ, बस अभी घर से निकल ही रहा हूँ। पक्का ना? अरे हाँ भाई। क्या है ना सेठ जी, आप हर बार बोलते हैं मैं निकल रहा हूँ और आपको निकलते निकलते आधा घंटा हो जाता है। अभी आप फोन रखो वरना आपकी वजह से लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। नटू का कभी ना क्या? अरे जेठिया तुझे तो खुश होना चाहिए कि नटू तेरी दुकान की और धंधे की इतनी चिंता करता है। अरे वो तो है बापू जी, लेकिन लव बहु करे से। हाँ अबे तू लप मुँह कर, जल्दी दुकान जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। जी जी बापू जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। वाह गुड मॉर्निंग मेहता साहब, सब तैयार सब सेट? हाँ बिल्कुल, बस अभी हाथी भाई के घर जा ही रहा हूँ, वहाँ पे पट्टी बनवाऊंगा और वहीं से बॉस को वीडियो कॉल करूँगा। ठीक है तो मैं आगे निकलता हूँ, वो मोटेम्बो जी के स्वागत की तैयारी ये लोग ने कैसी की जरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी बॉस को पटा के फटाफट आ जाइए। हाँ तुम पहुँचो, मैं पीछे से पहुँच ही रहा हूँ। मेहता साहब थैंक यू, भगवान करे हर जन्म में मुझे दोस्त के रूप में आप ही मिले। नहीं जेठालाल, मैं ये बात नहीं कहूँगा। मेहता साहब मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, आप भी ना। चलो मैं चलूं। हाँ चलो, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके ओके चल। अंजलि मैं बस हाथी भाई के घर जा रहा हूँ पट्टी बनवाने के लिए। ठीक है चलिए, मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हारे आने की क्या जरूरत है,
सचमुच थोड़ी ना वो चाहिए, बस यूं क्या और यूं आया। पर सीधे वहां से मत जाना, पहले घर आना। अंजलि इन कपड़ों में थोड़ी ना जाऊंगा, ऑब्वियसली घर आऊंगा। तारक मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपका टिफिन रेडी रखा है। अंजलि आज तो जेठालाल के यहाँ जा रहा हूँ तो अलग से टिफिन खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जो खिलाएगा वही खाना पड़ेगा ना, उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। हाँ वो तो है, मतलब आप बाहर का खाएंगे? रोज तो तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खाता ही हूँ, मजबूरी है। मेरा मतलब है कि रोज तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खाता हूँ लेकिन आज मजबूरी है, आज जेठालाल के साथ खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तारक ऑल द बेस्ट फॉर द डील, जेठा भाई को भी ऑल द बेस्ट बोलना। थैंक यू अंजलि, आई रियली नीड इट। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बेड़े। इस तरफ कहाँ, जेठा के घर पे? नहीं नहीं हाथी भाई के घर जा रहा हूँ। क्यों क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत फर्स्ट क्लास। तो फिर हाथी भाई के घर पे बैंडेज बनवाने जा रहा हूँ, समझो मोच आ गई तो। समझो मोच आ गई तो ऐसा सोच के कौन बैंडेज बनवाता है मेहता साहब? मैं बनवाता हूँ, मतलब कभी कभी बनवानी पड़ती। मैं कुछ समझा नहीं मेहता साहब, ये किस प्रकार की दूरदर्शिता है, मोच आने से पहले ही बैंडेज बांध लो। दूरदर्शिता नहीं है भिड़े, मजबूरी है। कैसी मजबूरी बताता हूँ, दरअसल हुआ क्या, वाह 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 मेहता साहब आप सच में धन्य हो, खरच जेठालाल ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से उसको इस जन्म में आप जैसा परम मित्र मिला है, आप अपनी नौकरी खतरे में डालकर उसका धंधा बढ़ा रहे हो, वाह। अरे जेठालाल मेरा परम मित्र है और ऐसे समय पर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्ती का क्या फायदा, और वैसे भी बुरे समय में जेठालाल भी तो हम सबके साथ खड़ा रहता है ना। हाँ वो तो है, आपको अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता ना। हाँ थैंक यू बेटे, थैंक यू, चलो ऑल द बेस्ट, जाओ एंजॉय। हाथी भाई कैसे हो? अरे मेहता साहब बस मैं डॉक्टर किया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है हाथी भाई, बस पैर में बैंडेज करवाना था। कौन से पैर में? कोई भी पैर में। कोई भी पैर में मतलब मोच कौन से पैर में आई है? आई नहीं है हाथी भाई, आने वाली है। आने वाली है मतलब आपको आने से पहले ही पता है? आपने क्या मुझको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बोले उस पैर में आ जाए? क्या बात कर रहे मेहता साहब, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे मोच आएगी? हाथी भाई मोच आने नहीं वाली है, मैं लाने वाला हूँ। मतलब? हाथी भाई मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। देखिए मेहता साहब ये गलत बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसे बिना मोच के बैंडेज नहीं बांध सकता। अरे हाथी भाई डॉक्टर साहब प्लीज पट्टी लगा दीजिए ना। अरे मेहता साहब क्या हुआ? अरे कोमल कुछ नहीं हुआ है, मेहता साहब पैर में मोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोच लाने की? हाथी भाई सारे डॉक्टर करते हैं। देखिए मेहता साहब बाकी डॉक्टर्स करते होंगे पर ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आपको पता है मेहता साहब कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कॉलेज से छुट्टी चाहिए, एक झूठा सर्टिफिकेट बना दो। लेकिन आज तक मैंने एक भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनाया। सॉरी मेहता साहब पर आपको बिना मोच के मैं बैंडेज नहीं बांध सकता। पर हंस अगर मेहता साहब कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। हाँ कोमल भाभी वजह है, हाथी भाई अगर आप मना करोगे ना तो मेरा परम मित्र जेठालाल फंस जाएगा। जेठा भाई मेहता साहब आपको अपने ऑफिस से बॉस को झूठ बोल के छुट्टी लेनी है तो उसमें जेठा भाई कैसे फंस जाएंगे? लंबी कहानी है, आपको भी सुनानी पड़ेगी। हाँ बताइए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली जेठालाल की दुकान में एक इंटरनेशनल क्लाइंट आने वाला है तो उसने मुझे फोन किया। तो ये बात। अरे वाह मेहता साहब ये तो आप नेक काम करने जा रहे हैं, तो फिर बराबर है, बॉस की बीवी का काम करने से अच्छा है कि आप जेठा भाई की मदद करो। हंस तुम पेशेंट के सिर्फ बाहर का नहीं उनके दिल के दर्द को भी समझने की कोशिश करो। कोमल मेहता साहब मेरे दोस्त है और मैं दोस्त के दिल की बात तो समझ ही सकता हूँ। मेहता साहब अगर आपने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं मना नहीं करता। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू चलिए मैं आपको पट्टी बांध देता हूँ। बंद गई बैंडेज।
कमाल है, बिना मोच के बैंडेज बंधवा ली। थैंक यू सो मच हाथी भाई। मैं अभी अपने बॉस को वीडियो कॉल करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि मेरे पैर में मोच आई है और बैंडेज लगी है, तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता। आप भी जरा बोल दीजिए ना, आपकी बात का वजन पड़ेगा। Excuse me? हाथी भाई डॉक्टर हैं, ये बोलेंगे तो वजन पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, लगाइए वीडियो कॉल। I tell you, this is too much, 3 much, 4 much, 5 much, मगरमच्छ। What happened, sir? What happened? मैं इतना जल्दी ऑफिस आ गया और मैं तभी तक नहीं आया। फोन करके पता करता हूँ कि वो है कहाँ। लो 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 लो, think of the devil and devil is here. He's calling. Video call. Hello? Sir, मैं बहुत बुरी तरह से गिर गया हूँ और पैर में मोच आई है। क्या? ये अचानक मोच कैसे आ गई? अरे संभल के चलना चाहिए ना। सर संभाल के ही तो चल रहा था। अरे सर संभाल कर नहीं, पाँव को संभाल कर चलना चाहिए। मैं दे तो ये बता कि आज ही तुझे ये मोच क्यों आई? सर मोच है, पूछ के या परमिशन लेके थोड़ी ना आती है, बस आ गई। तो कोई बात नहीं, मोच ही आई है ना। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस की गाड़ी भेज देता हूँ। गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाओ। यहाँ पर एक व्हील चेयर रखी हुई है, उस पर बैठो और हर टेबल पे घूम घूम के अपना पूरा काम करो। सर मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ये देखिए बैंडेज। देखा सर, और मैं अभी हाथी भाई के क्लिनिक में हूँ, उन्होंने ही पट्टी बांध दी है, ये देखिए। ये तो खाली मेरे को पेट दिखाई दे रहा है, आदमी किधर है? सॉरी सॉरी सर, वो मेरा कैमरा छोटा ना, ये देखिए। हेलो डॉक्टर साहब, हेलो हेलो हेलो, मैं डॉक्टर हाथी। अब मेहता साहब को पैर में मोच आ गई है, तो इस हालत में वो चल नहीं सकते। पर क्या होता है ना, ऐसी हालत में इंसान अगर दौड़ेगा तो फिर चलने लायक नहीं रहेगा, और चला तो फिर खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा, समझ रहे? He needs complete bed rest. सॉरी सर, मैं आपके वाइफ की किटी पार्टी की प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल जैसे ही ऑफिस आऊंगा सबसे पहले वही काम करूंगा। तो तुम एक काम करो, तुम आज ऑफिस मत आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं काम करता हूँ, अपनी वाइफ को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। तुम लैपटॉप खोलना, सामने बैठेगी, दोनों मिलके उसका किटी पार्टी का पूरा बुकिंग वुकिंग जो भी है वो कर देना। नहीं नहीं, आप अपनी वाइफ को यहाँ नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, कितना दर्द! ऐसा लग रहा है जैसे मेहता हाथी के पांव के नीचे आ गया है। यस, उनको इतना ही दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने उन्हें पेन किलर का हैवी डोज दिया हुआ है। नींद आ जाएगी और इस वक्त उन्हें नींद की सख्त जरूरत है, इसीलिए सोना ही इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं ते पहले खाली तुम्हारे दिमाग में मोच थी, अब तुम्हारे पाँव में भी आ गई। सॉरी सर, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, गिर जाता हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ मैते, कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। लेकिन मैं तो फंस गया ना, अब आज मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा? सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 3 दिन के लिए सोच के रखिए कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि मेहता साहब अगले 3 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएंगे। 3 दिन? अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अपनी वाइफ का पूरा ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। मैं ते मोच टेढ़े पाँव में आई है, लेकिन दर्द मेरे को हो रहा है, मेरे सर में हो रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू आर ए बिग हेडेक। सॉरी सर। चलो ठीक है, लेकिन सुनो, जैसे तुम्हारा दर्द कम हो, तुम ठीक हो जाओ, इमीडिएटली ऑफिस आ जाना, ओके? जैसे ठीक होऊंगा ना सर, तुरंत ऑफिस आ जाऊंगा। सॉरी सर, थैंक यू सर। क्या करूं मैं इस मेहते का, क्या करूं? कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पाँव में दर्द। This man is a big headache. Actually, he's my headache. Thank you, Adi bhai. Thank you so much. जाइए मेहता साहब,
जेठा भाई की हेल्प कीजिए। हाँ मेहता साहब, आपको और जेठा भाई को, दोनों को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज दोस्ती निभाने के लिए मैंने अपने पैरों में पट्टी बांध दी और अपने बॉस से झूठ कहा कि मुझे पैर में मोच आई है, और इस काम में मेरा साथ दिया डॉक्टर हाथी ने। वो क्या है ना, हम गोकुल धामवासी एक परिवार की तरह है। किसी भी तकलीफ में हम गोकुल धामवासी एक हो जाते हैं और उस इंसान का साथ देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जेठालाल की जिस डील के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, उस डील के लिए मैं सही समय पर पहुंच पाता हूं या नहीं, और अगर पहुंचता हूं तो किस तरह से पहुंचता हूं। गोकुल धाम से जेठालाल की दुकान तक के सफर में मेरे साथ क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो कुछ भी होगा वो आपके चेहरे पर हंसी खुशी और ठहाके लेकर आएगा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.